हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्साहोलिक्स। आज हम एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेरी पे बात करने वाले हैं। मतलब मैं आजकल बहुत सारे आस्क मी एनीथिंग सेशन लेता हूँ ना, तो उसमें कई क्वेरीज हैं, कुछ पर्टिकुलर क्वेरीज हैं जो बार बार आती हैं, उन सब पे मैं वीडियो बनाऊंगा। उनमें से एक क्वेरी है कि सर, हमने सब कुछ ट्राई कर लिया पर हमारे एग्ज़ाम में नंबर नहीं आ रहे, या फिर एग्ज़ाम में नंबर इम्प्रूव नहीं हो रहे, या फिर मार्क्स मतलब अटक गए, प्लेटो आ गया है मार्क्स में, वो नहीं हो रहा है, या फिर कुछ लोगों के बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं ना। सर, हमने सब ट्राई कर लिया। तो जो बच्चे बोलते हैं हमने सब ट्राई कर लिया और फिर भी एग्जाम में नंबर नहीं आ रहे, सच्चाई होती है उन्होंने अभी तक 20% भी नहीं करा है, और वो झूठ बोल रहे हैं खुद से ही, दे आर इन डिनायल। चलो कोई बात नहीं, तो अपन इसके बारे में बात करने वाले हैं, जिसको लगता है उसने सब कुछ ट्राई कर लिया, जिसको लगता है नहीं करा। एनीवेज, क्या क्या करना चाहिए, एग्जाम में नंबर कैसे आते हैं, मार्क्स कैसे आते हैं, मार्क्स को कैसे इंप्रूव करना है, इस छोटे से सेशन में मैं हर एक चीज कवर करने वाला हूं कि एग्जाम से पहले तुम्हें क्या करना होता है, एग्जाम के दौरान तुम्हें क्या क्या करना चाहिए। तुम्हें से हो सकता है कुछ चीजें तुम ऑलरेडी कर रहे हो और कुछ चीजें तुम नहीं कर रहे हो ना, तो तुम्हें पता रहेगा कि तुमको कहाँ इंप्रूवमेंट करना है। तो चलो सेशन स्टार्ट करते हैं ना। हाँ, सेशन स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, है ना। फिजिक्स वॉलिक्स बहुत सारी चीजें डाल रहे हैं हम लोग, है ना, बहुत सारा फ्री कॉन्टेंट हम ऑलरेडी अपलोड कर रहे हैं। लाइक वो सारा तुम्हें ऑर्गेनाइज वे में फिजिक्स वॉलिक्स की वेबसाइट पर जो मिल जाएगा ना, मतलब कोटा का जो पूरा मटेरियल है, हमने अपना खुद का मटेरियल डेवलप करा है, इम्प्रूव करा है मटेरियल को, करेक्शन करे हैं, और नीट और जेई दोनों के लिए अलग अलग DPPs हैं, है ना, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, है ना, और हर क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन अपलोड कर दिया, पैकेजेस के भी वीडियो सॉल्यूशन बन रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के। तो वेबसाइट पे जाओगे तो तुम्हें बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, एंड ऑल ऑफ दिस इज कम्प्लीटली फ्री विदाउट एनी एड्स, है ना, वी नेवर रन एड्स। और जो लोग इंस्टाग्राम पे वो फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, बाकी सोशल मीडियाज को अवॉइड करो, टेलीग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना, क्योंकि सारे लेटेस्ट अपडेट टेलीग्राम पे मिलते हैं। नीट वाले बच्चे NEET_physics में जाएंगे, IIT JEE वाले बच्चे IIT JEE_physics में जाएंगे। इन सारी चीज़ों की लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी ना, तो जस्ट क्लिक करना है एंड यू विल रीच देयर। सबसे इम्पॉर्टेंट है ना, जो बच्चे प्रॉपरली मेरे गाइडेंस में पढ़ाई करना चाहते हैं ना, क्योंकि फिजिक्स के लिए चाहे तुम IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहे हो चाहे नीट की कर रहे हो ना, मेरे सेपरेट बैचेस चल रहे हैं, तो मैंने अकेडमी ज्वाइन कर सकते हो ना, है ना, और हर कुछ दिन में न्यू बैचेस आते रहते हैं, चाहे ड्रॉपर हो, चाहे क्लास 11th हो, चाहे क्लास 12th हो, पर उसके लिए पहले पता कर लेना ना। तो बेटर है कि या तो टेलीग्राम पे फॉलो करते रहना, वहाँ पे पता चलता रहता है, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। बाकी ये मेरी टेलीग्राम आईडी है, यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ना टू नो अबाउट माई न्यू बैचेस, है ना। और जो बच्चे अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं ना, वो लोग अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, माई रेफरल कोड इज फिजिक्स लाइव, है ना, तो इससे तुम्हें 10% ऑफ मिल जाएगा, और जिसकी भी तुम तैयारी कर रहे हो NEET IIT JEE, उसमें हर एक सब्जेक्ट का तुम्हें एक्सेस मिलेगा ना। चलो स्टार्ट करते हैं। ये प्राइसेस वगैरह रिवाइज होते रहते हैं, तो बेटर है जब भी तुम सब्सक्रिप्शन लेने वाले हो उससे पहले एक बार उसे कॉन्टेक्ट कर लेना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, है ना। तो देखो होता क्या है ना, कि जब अपन बात करते हैं एग्जाम में नंबर क्यों नहीं आ रहे, या फिर एग्जाम में नंबर लाने हैं, तो उस समय ना तुम्हारे एक्सपेक्टेशन ही अनरियलिस्टिक होते हैं, एंड दिस इज ट्रू फॉर एटलीस्ट 99% ऑफ यू, जो लोग ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। कुछ लोग होंगे, है ना, उन जिनके लिए ये नहीं होगा उनके बारे में भी मैं बताऊंगा ना। क्या होता है कि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होता है तुम्हारा, होता है कि बस तुमने कोचिंग ज्वाइन कर लिया, तुमने पढ़ाई चालू कर ली, अब एकदम से तुम्हारे नंबर आ जाएंगे, सब कुछ खुशी खुशी बढ़िया मस्त मस्त चलेगा, और तुम्हारी टॉप रैंक आ जाएगी, और तुम टॉप कॉलेज में चले जाओगे ना। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला, तुम्हारी जर्नी ऐसी तो बिल्कुल नहीं होने वाली, है ना। तो देखो सबसे पहली चीज होती है, तुम्हें रियलिस्टिक होना जरूरी है ना, क्योंकि हवाबाजी करना ना करने में बड़ा मजा आता है, जैसे YouTube पे हवाबाजी वगैरह बहुत चलती रहती है ना, उसमें मजा बहुत आता है, पर होता उससे कुछ नहीं है। तो पहले तो रियलिस्टिक हो, रियलिस्टिक गोल सेट करो, माइंडसेट सही होना चाहिए तुम्हारा ना। जो तुम बोलते हो ना कि एग्जाम में नंबर लाना है, एक चीज समझना बेटा, नंबर लाना है एग्जाम में ना लास्ट स्टेप होती है, और क्या होता है, वो फल है, और सबको सीधा फल चाहिए ना, कर्म नहीं करना चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते हैं, यार सीधा नंबर आ जाए, बस कोचिंग ज्वाइन कर लिया, अपन ने पढ़ाई चालू करी, सीधा नंबर आ जाए, पर उससे वो फाइनल स्टेप है जो है ना, जो एग्जाम में नंबर लाने वाली जो फाइनल स्टेप है ना, उससे पहले बेटा बहुत सारी स्टेप्स हैं, और यहाँ पे तुम कुछ भी जंप नहीं मार सकते। प्रिसाइजली बोलो, देर आर 10 स्टेप्स। एग्जाम में नंबर लाने से पहले तुम्हें 10 चीजें करना जरूरी है, और उस 10 में से अगर तुमने एक भी मिस कर दिया तो तुम्हारे नंबर गड़बड़ाएंगे, और हो सकता है कि बहुत खराब हो जाए। और तुम में से जितने भी लोग बोल रहे हैं कि एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आ रहे या दिक्कत आ रही है, 100% सभी के लिए ये है कि तुम उन 10 में से कोई ना कोई स्टेप मिस कर रहे हो। हो सकता है कुछ लोग तो ऐसे होंगे 9-10 में, पता नहीं 10 की 10 या 8-9 स्टेप मिस कर रहे होंगे, कुछ 4-5 मिस कर रहे होंगे। तो एनीवेज इट विल ऑल्सो एक्ट एज ए चेक लिस्ट, मैं अभी तुम्हें दिखाने वाला हूँ, है ना। तो उनमें से तुम जो भी चीजें मिस कर रहे हो उसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना, जो भी चीजें तुम मिस कर रहे हो ना, तो ध्यान रखना कि तुम्हें ये करना है, जब अगली बार एग्जाम में नंबर कम आए तो ये मत बोलना कि नंबर कम क्यों आ रहा है, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि नंबर कम क्यों आ रहा है, क्योंकि तुमने अभी अपना 100% नहीं दिया, तुमने अभी अपना 50% भी नहीं दिया यार, है ना। तो बात करते हैं ना, और एक चीज ध्यान रखना, शॉर्टकट जैसी कोई चीज नहीं, हर एक स्टेप तुम्हें चल के जाना पड़ेगा,
हर एक स्टेप तुम्हें चल के जाना पड़ेगा। शॉर्टकट जैसी तो कोई चीज होती ही नहीं है, IIT जेई नीट में तो नहीं है ना। शॉर्टकट YouTube पे तुमको बहुत दिखाए जाएंगे, बहुत सारी जगह बहुत सारी चीजें दिखाई जाती हैं, वो सब बेटा तुम्हारी जीवन और करियर बर्बाद कर देगा, वो सब काम नहीं करता है। सिर्फ एक तरीका होता है रैंक लाने का, और वो तरीका भयंकर मेहनत वाला है, उसमें भयंकर मेहनत करनी होती है। कोई 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 शॉर्टकट नहीं है, कोई स्मार्ट ये नहीं है कि ये कर लोगे कम में हो जाएगा, नहीं, भयंकर वाली मेहनत करनी होती है। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं, बता देता हूं मैं वो सारी चीजें तुमको। ये स्टेप्स भी हैं, 10 स्टेप हैं तुम्हें अगर एग्जाम में फाइनली नंबर लाना है, और ये चेकलिस्ट भी है अगर इनमें से तुम कुछ मिस कर रहे हो ना। पहले तो इसके स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं तुम्हें डिटेल में बताऊंगा ना। ये सिर्फ नाम नहीं, इनमें हर एक चीज में बहुत सारी चीजों का तुम्हें ध्यान रखना है ना। तो ये तो बस ओवरव्यू है, एक स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। इसको अब अपने साथ रखना। चलो बात करते हैं एक एक चीज़ है ना। तो पहली स्टेप क्या है तुम्हारी, पहली स्टेप क्या है, टीचर्स क्लास नोट्स, है ना। तो अब इसमें तो ये पहली स्टेप है, मैं बता रहा हूँ मैक्सिमम कम से कम 50-60% बच्चे तो यही नहीं कर रहे होंगे। तुम कहोगे नहीं सर हम कर रहे हैं, सर हम तो कर रहे हैं, सर हमने तो बढ़िया वो यूट्यूब पे एक भैया ने टॉपर वाले नोट्स दे दिए हैं तो हम तो उससे पढ़ाई कर रहे हैं सर, नोट्स हैं। कुछ कहेंगे अरे हमारे सर ने तो हमें बढ़िया हैंड रिटन नोट्स दे दिए, टीचर्स के हैंड रिटन नोट्स मिल गए हैं, हम उससे पढ़ाई कर रहे हैं। नहीं भैया, टीचर के क्लास नोट्स का मतलब वो नहीं है, इसका मतलब है तुम्हारे खुद के नोट्स। एक्चुअल में तुम जिन भी टीचर से पढ़ रहे हो, जहां पर भी पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो, तुम्हारे टीचर्स ने जो तुम्हें पढ़ाया है और उससे तुमने जो खुद से लिखा है, वो नोट सबसे पहले तो तुम्हारे पास होने चाहिए। अगर तुम खुद से नोट्स नहीं लिख रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि रैंक वैंक की तो बात ही नहीं है, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होने वाला है, दैट इज फॉर श्योर। कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करो, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होने वाला है अगर तुम खुद से नोट्स नहीं लिख रहे हो। अगर तुमने कहीं से भी बेटा किसी के भी नोट्स वगैरह डाउनलोड कर रखे ना, इमीडिएटली डिलीट मारो, मेहनत करो, खुद से नोट्स लिखना जरूरी है। ये कोई ऑप्शनल चीज नहीं है कि तुम लिखो ना लिखो, ये तुम्हें करना ही करना है। तो पहले तो खुद से नोट्स लिखना है। देखो सबसे पहले तो एक अच्छे टीचर के पास जो है ना, जो एक्सपीरियंस हो, जिन्होंने बहुत सारी रैंक्स वगैरह प्रोड्यूस करी हो, सही टीचर सेलेक्ट करो, क्योंकि सही टीचर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं प्रिपरेशन में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं सही टीचर हर एक सब्जेक्ट में। आज के जमाने में ये बहुत आसान है, क्योंकि जैसे कि अनअकैडमी है और भी जगह है जहां पे तुम अपने टीचर सेलेक्ट कर सकते हो ना, तो वो बहुत कन्वीनियंट बना देता है ना हर एक सब्जेक्ट में। जैसे अनअकैडमी पे चाहे तुम IIT JEE में हो चाहे नीट में हो, हर एक सब्जेक्ट में तुम्हें इंडिया के बेस्ट टीचर्स मिल रहे हैं, मतलब लिटरली जिन्होंने कई बार AIR 1 प्रोड्यूस करी हो, मैक्सिमम रैंक्स निकाली हुई है, और उसमें से भी तुम सेलेक्ट चूज कर सकते हो तुम्हें किससे पढ़ना है ना। तो जो तुम्हारे टीचर्स है वो तो तुम्हें क्लास में जो भी समझा रहे हैं वो हर एक चीज तुम्हें क्लियर होनी चाहिए। जितने भी क्वेश्चंस कराते हैं वो पहले तुम ऑन द स्पॉट क्लास में ट्राई करते हो, कुछ कर पाते होगे कुछ नहीं कर पाते होगे, कोई बात नहीं, घर पे आकर उन सारे क्वेश्चंस को फिर से ट्राई करना बहुत जरूरी है जो तुमने, है ना। अगर स्पेशली फिजिक्स का, ये तो हर चीज के लिए ट्रू है, पर फिजिक्स में तो और भी ज्यादा है कि जो भी जितने भी क्वेश्चन टीचर ने क्लास में करे उन सबको उसी दिन आके घर पे ट्राई करो, वो सारे क्वेश्चन तुमसे खुद से सॉल्व होने चाहिए। अगर कहीं पे डाउट आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो उस क्लास की रिकॉर्डिंग देख सकते हो अगर ऑनलाइन में हो, नहीं तो ऑफलाइन में हो तो भाई जाके डाउट पूछ सकते हो, ऑनलाइन में भी अगली क्लास में जाके डाउट पूछ सकते हो कि सर हमें इस चीज में डाउट है, या फिर ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया, या फिर इसमें कुछ नए तरह का डाउट आ रहा है। तो नोट्स का मतलब है नोट्स 100% क्लियर होने चाहिए। नोट्स में जितनी भी चीजें, मतलब नोट्स मतलब पूरी क्लासेस में जितनी भी बातें बताई है वो सारी बातें प्रॉपरली लिखो, उनको समझो, उसमें मतलब कोई भी डाउट नहीं बनना चाहिए। ये पहली स्टेप है, और कई लोग इसको ढंग से नहीं करते, उनके नोट्स आधे तैयार होते हैं, नोट्स की आधे बातें समझ में आती है, आधे क्वेश्चन उनसे हो रहे होते हैं, या फिर सब क्वेश्चन देख के सॉल्व कर रहे होते हैं, खुद से नहीं कर रहे होते। तो यहां पर तो तुम पहली स्टेप में ही फेल हो गए, मार्क्स तो कहां से आएंगे। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता, क्योंकि टीचर्स तुमको बहुत ज्यादा सिलेक्टेड चीजें कराते हैं। जैसे अगर तुम मेरी क्लासेस कर रहे हो तो तुमको पता है मेरे नोट्स ही 100% है, नोट्स के बाद से कभी कोई कॉन्सेप्ट तुम्हारे एग्जाम में नहीं वाला, नोट्स के बाद से कभी भी कोई कॉन्सेप्ट एग्जाम में नहीं वाला आने वाला, हर एक चीज तुम्हारे नोट्स में से आएगी, सारे के सारे कॉन्सेप्ट। तो तुम्हें बाहर से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, और जो क्वेश्चन वगैरह मटेरियल वो सब हम तुम्हें प्रोवाइड करते हैं। तो पहली स्टेप तो होती है बेटा नोट्स, है ना, इस, है ना, हर एक क्वेश्चन, मतलब तुम अगर तुम्हारे टीचर तुम्हें कोई भी क्वेश्चन दे दे नोट्स में से, कहीं से भी दे दो, तुम वो क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो, और वो कोई भी जितनी भी चीजें उन्होंने कॉन्सेप्ट्स या थ्योरी वगैरह पढ़ाए वो तुम्हें पता हो। ये पहली स्टेप है। अगली भाई DPPs, है ना। तो DPP का कल्चर कोटा की कोचिंग से ही चालू है ना, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, है ना, बंसल क्लासेस है, और बहुत सक्सेसफुल मॉडल है, और आज लगभग हर एक अच्छी कोचिंग इसको फॉलो करती है, चाहे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे JEE, हम भी इसको फॉलो करते हैं। तो तुम्हें रेगुलर DPPs मिलती है, जैसे मेरी क्लास में भी आओगे तो आज हमने क्लास में जो पढ़ा, जो भी टॉपिक पढ़ा, उस पर तुम्हें DPP मिल जाएगी। एक DPP में 10-15 क्वेश्चन होते ना, तो ये सबसे सही तरीका स्टार्ट करने का, स्पेशली वो लोग जिनको फिजिक्स ही प्रॉब्लम्स करने में या किसी चीज में दिक्कत आ रही है, तो DPP इज द बेस्ट वे, क्योंकि आज तुमने क्लास में जो पढ़ा उसमें तुम्हें एवरेज, है ना, मीडियम लेवल की प्रॉब्लम्स होती है, 10-15 प्रॉब्लम मिल जाती है। जब तुम उनको घर पे जाके ट्राई करते हो तो वो चीजें तुम्हारे दिमाग में बैठ जाती है ना, तो एकदम से तुम्हें बहुत डिफिकल्ट लेवल की प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट नहीं करनी, पहले DPPs करो, है ना। नीट के बच्चे नीट की DPPs करेंगे, JEE वाले JEE की करेंगे, तुम जहां भी पढ़ रहे हो आई थिंक DPPs आजकल हर जगह मिलती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधे पैकेजेस वगैरह पे
जंप मत करो, क्योंकि डीपीपीज में क्वेश्चन सॉर्टेड होते हैं ना, स्पेशली उन टीचर के पास जो जिनकी खुद की डीपीपीज है, जिन्होंने खुद के डीपीपीज डेवलप कर रखे, अच्छे टीचर्स के खुद के डीपीपीज डेवलप होते हैं, क्योंकि वो डीपीपीज उनके क्लासेस के हिसाब से होते, वो किसी बुक से उठा के नहीं देते, किसी कोचिंग की नहीं देते, उनकी डीपीपीज उनकी क्लासेस के हिसाब से होते हैं कि भाई उस, क्योंकि हर एक टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग होता है ना, तो हर एक टीचर का ऑर्डर अलग होता है, तो उन्होंने आज क्लास में तुम्हें जो चीज पढ़ाई, जो टॉपिक्स पढ़ाए, उससे रिलेटेड तुमको डीपीपी मिलेंगी। तो हमारी पूरी फिजिक्स वाली सी डीपीपी डेवलप है वो जो कंप्लीटली मेरे लेक्चर्स के हिसाब से डेवलप करी हमने, है ना, जिस ऑर्डर में पढ़ाते हैं, तो तुम्हें वो रेगुलर मिलती है और ये तुम्हें वेबसाइट पे मिल जाएंगी, फिजिक्स वाली सी वेबसाइट पे, जो लोग मेरे स्टूडेंट नहीं है वो भी उनको कर सकते हैं, दे आर कंप्लीटली फ्री, हर एक क्वेश्चन का तुम्हें वीडियो सॉल्यूशन वगैरह मिलेगा। तो सबसे बड़ा होता है ना, जो बच्चे बोलते हैं कि हमसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है फिजिक्स की या फिर कहीं दिक्कत आ रही है, डीपीपीज करो, नोट्स के बाद डीपीपीज करो, हो सकता है कि डीपीपीज के सारे क्वेश्चन तुम ना कर पाओ, 50% कर पाओगे, 60% कर पाओगे ना, उतना करो, बाकी का सीखो, लर्निंग सीखो तो बोलते हैं, जो तुमसे नहीं हो रहा उसको सीखो, कर पाओगे, ऐसे ही तो इंप्रूव करोगे, ऐसे ही तो इंप्रूव करोगे, और दूसरों से कंपेयर मत करो, है ना, कि उसने इतने जल्दी कर लिया है ना, अरे हर एक इंसान अलग अलग है यार, तुम्हें सिलेक्शन पाने के लिए, अच्छा कॉलेज पाने के लिए तुम्हें न्यूटन आइंस्टीन होने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें लगे रहना है, एक साल दो साल तुम्हें लगे रहना है, हर चीज जो स्टेप्स बताएंगे उनको करते रहना, तुम अपना बेस्ट कर पाओगे, सिलेक्शन तो पक्का ही हो जाएगा, एक अच्छा कॉलेज तो पक्का मिल जाएगा ना, कितनी अच्छी रैंक आएगी वो डिपेंड करेगा तुम पे भी ना, पर तुम्हें लगे रहना है, तुम्हें लगे रहना है। अगली स्टेप की बात करते ना, उसके बाद देखो जैसे फिजिक्स है तो जो भी बुक्स वगैरह सॉल्व करते हो तुम उसको सॉल्व करो ना, ऐसा नहीं है कि तुमने सिर्फ नोट्स और डीपीपी कर लिए तुम्हारे मार्क्स बहुत अच्छे आने लगेंगे ना, मतलब ये तो इनिशियल स्टेज है, दिस इज द मिनिमम, मिनिमम तुम्हें इतना करना है, पर उसका बहुत कुछ करना है, क्योंकि एग्जाम में टाइम कंस्ट्रेंट भी तो होता है यार, है ना, क्योंकि एग्जाम में टाइम कंस्ट्रेंट होता है ना, तुम्हें इतने टाइम में इतने क्वेश्चंस करने, वो तभी होगा ना जब तुम सफिशिएंट नंबर ऑफ प्रैक्टिस करोगे, अगर तुम हर एक नया क्वेश्चन एग्जाम में ही ट्राई करोगे तो तुम्हें बहुत समय लग जाएगा, 5-5 मिनट लग जाएंगे, एक क्वेश्चन में 10-10 मिनट लग जाएंगे, तुम्हारा पेपर छूट जाएगा, तो फिर नंबर कैसे आएंगे, तो सफिशिएंट प्रैक्टिस करना जरूरी है ना, आई थिंक ये बहुत ऑब्वियस ही बात है जो सबको पता होती है, कुछ चीजें शायद नहीं होंगी उतनी ऑब्वियस, मैक्सिमम चीजें ऑब्वियस है जो तुमको भी पता है, पर बस तुम उनको फॉलो नहीं कर रहे, सो यूज इट एज अ चेकलिस्ट, है ना, तो करो, तुम जिस भी कोचिंग में पढ़ रहे हो उसके तुम्हें मटेरियल शीट मॉड्यूल्स वगैरह दिए गए होंगे, पैकेजेस दिए होंगे, उसको सॉल्व करो, है ना, उसको सॉल्व करो, फिजिक्स में हो तो एफ फिजिक्स में साथ में एससी वर्मा भी सॉल्व करो, जैसे मेरे स्टूडेंट तो भाई एससी वर्मा सॉल्व करते हैं ना, लगभग हर जगह ही कराई जाती है ना, बाकी सब्जेक्ट में भी ऐसी तुम्हारी बुक्स या पैकेजेस जो भी होता है उसको प्रॉपर सॉल्व करो, ये जरूरी है, ये प्रैक्टिस के लिए जरूरी है ना। अगली चीज, जब स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चंस कर रहे हो ना तो टाइम कंस्ट्रेंट पे बहुत ज्यादा ध्यान मत देना, स्टार्टिंग में समय ज्यादा लगता है, कोई भी नया चैप्टर पढ़ोगे ना, कोई भी नया चैप्टर पढ़ोगे स्टार्टिंग में समय ज्यादा लगेगा, पर तुम जैसे जैसे करते जाओगे ना तुम्हारा टाइम कम होता जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में तुम कॉन्सेप्ट्स बना रहे हो, तुम सीख रहे हो ना, तो स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा स्टार्टिंग में क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करना भी गलती होती है, क्योंकि उसमें तुम सीखते नहीं हो, फिर तुम रट रहे होते, फिर तुम कितनी प्रैक्टिस कर लो उसका कोई पॉइंट ही नहीं बनेगा, तो स्टार्टिंग में हर एक चैप्टर जब भी स्टार्ट करो स्टार्टिंग की 50 या 100 प्रॉब्लम आराम आराम से सॉल्व करा करो सीखते हुए, उसके बाद धीरे धीरे स्पीड पर ध्यान दिया करो, है ना, वो अपने आप बढ़ती, जैसे जैसे तुम प्रैक्टिस करते जाते हो अपने आप बढ़ती जाती है स्पीड। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करना जरूरी है ना, है ना, जिस भी एग्जाम की तैयारी करो बहुत इंपॉर्टेंट है, और कोशिश करो अभी करो, है ना, अब तुम में से बहुत से लोग कहेंगे सर हमको ये सब पता है पर इतना होते ही नहीं है, समय नहीं बचता, आई अंडरस्टैंड ना, तो क्या करो, ये प्रायोरिटी ऑर्डर जैसा है ना, तो कोशिश करो, जरूरी नहीं है कि तुम सब कुछ कर पाओ, पर जितना कर सकते हो उतना करो, है ना। अब कई बच्चे बोलते हैं सर कितना करना चाहिए, तो यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, तुम्हारा जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक तुम नए नए क्वेश्चन करते रहोगे, जितना करोगे उतना ज्यादा इंप्रूव करोगे, तो पॉइंट है कि तुम करते रहोगे ना, पर तुम बोलोगे सर मेरे नोट्स ही अकेले तैयार होते हैं, नहीं तो फिर नंबर नहीं आएंगे, मैं सर नोट्स और डीपीपी कर रहा हूँ, ठीक है वो मिनिमम लेवल है, पर कुछ तो उसके बाद करना पड़ेगा, एटलीस्ट एससी वर्मा और सॉल्व करो, नहीं तो कोचिंग के मॉड्यूल्स करो, अब मॉड्यूल्स में भी बहुत सारी एक्सरसाइजेस होती हैं, 1, 2, 3, 4, एटलीस्ट 1 or 2 कंप्लीट करो यार एक्सरसाइज, है ना, तो तुम्हें कुछ एक सर्टेन लेवल तो करना पड़ेगा, और उसके बाद अगर समय मिल रहा है तो भाई पीवाईक्यूज भी करो, मैं तो क्लास के अंदर ही करवा देता हूं, मैं तो मैक्सिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, है ना, पर जितना कर सकते उतना करो, उसका क्वेश्चन बैंक्स वगैरह और भी बहुत सारी चीजें होती है, रैंक बूस्टर मटेरियल होता है जो हम रिवीजन के दौरान करते ना, तो यहां पे पॉइंट ये है कि तुम जितना कर सकते उतना करो, जितना करोगे उतना ज्यादा इंप्रूव करोगे, जितना करोगे उतना ज्यादा इंप्रूव करोगे ना। बैकलॉग नहीं छोड़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बैकलॉग नहीं छोड़ना, बैकलॉग सच्चाई है, एक क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है ना बैकलॉग कैसे कवर करें, सच्चाई होती है बेटा जो एक बार छूट जाता है ना उसको कवर करना बहुत मुश्किल होता है ना, जो एक बार छूट जाता है ना उसको कवर करना बहुत मुश्किल होता है, छूटने ही नहीं देना, कुछ छूटने ही नहीं देना, ये ध्यान रखना है ना। तो मिनिमम लेवल मान के चलता हूं मैं कि भाई तुम्हारे हर चैप्टर में किसी भी सब्जेक्ट में नोट्स डीपीपीज और एटलीस्ट जो भी पैकेज है कोचिंग का पैकेज, अगर पूरा भी नहीं कर पाए तो एटलीस्ट स्टार्टिंग की 2 एक्सरसाइज तो सभी लोग कर सकते हैं, इतना तो मिनिमम खत्म करते हुए चलो, है ना, इतना तो मिनिमम खत्म करते हुए चलो, छूटने नहीं देना कुछ भी ना। फिर भी अगर कुछ लोगों का ऑलरेडी कुछ छूट चुका है, तो कई लोग होंगे जो बोलेंगे हमारा छूट चुका है, कोई नहीं, उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसकी लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, है ना, तो उसमें क्या होता है देखो मुश्किल ही होता है, पर बेस्ट तरीका बताऊंगा तुम क्या कवर कर सकते हो, बट कोशिश यही होनी चाहिए छूटने नहीं देना, तुम्हें छूटने नहीं देना।
डाउट क्लेरिफिकेशन। मान लो तुमने ये सब कर लिया और उसके बाद तुम सीधे एग्जाम देने चले गए, तुम्हारे नंबर नहीं आने। क्योंकि जब तुम इतना करोगे, मान लो तुमने किसी टॉपिक में, अभी मान लो रिसेंटली रोटेशनल पढ़ा तुमने ना, उसमें तुमने 200 प्रॉब्लम सॉल्व कर ली पूरे मिला के, पर तुमने डाउट क्लेरिफाई नहीं करे। अरे 200 में से 20-25 प्रॉब्लम में तुम्हारे डाउट होंगे, कुछ में बड़े बड़े डाउट होंगे, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई होंगी, कुछ में छोटे छोटे डाउट होंगे। अगर तुमने डाउट क्लेरिफाई नहीं करे तो तुम्हारी प्रिपरेशन 50% भी कंप्लीट नहीं हुए। ये बहुत मतलब नॉर्मल सी बात है जो सबको पता होती है, पर मैंने कई जगह देखा है बच्चे डाउट क्लेरिफाई नहीं करते। इंडीड कई कोचिंग में इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया जाता ना। हम लोग फिजिक्स ऑलिक्स में इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं ना। तो फिजिक्स ऑलिक्स में अराउंड 9 फैकल्टीज हैं, है ना, जो डाउट ले रहे हैं कंटिन्यूसली। हमारे नीट और जेई के ग्रुप पे डाउट चलते हैं, दोनों के अलग अलग ग्रुप है ना। तो हर एक ग्रुप पे डाउट होता है, हम प्रॉपर डिस्कशन करते हैं क्लास में, एससी वर्मा का, डीपीपीसी हर एक क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन। तो वो सारी चीज़ों का ध्यान रखना है कि डाउट नहीं बनना चाहिए। तो भाई फिजिक्स में मैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देता हूँ कि किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट नहीं बनना चाहिए, जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं। और बाकी जो बच्चे नहीं पढ़ रहे, जहाँ भी पढ़ रहे हो, मेक श्योर कि तुम्हारे डाउट क्लेरीफाई नहीं हो रहे, मतलब तुम गलत जगह हो। एंड यू नीड टू चेंज समथिंग, है ना। तो डाउट क्लेरीफाई करना इट इज नॉन नेगोशिएबल। मैं इस पे स्टार मार रहा हूँ, इट इज नॉट, इसके बिना तुम्हारे नंबर कभी नहीं आने वाले। क्योंकि तुम्हारे जो डाउट्स हैं, जो क्वेश्चन तुमसे नहीं हुए हैं, वही तुम्हारे कॉन्सेप्ट में लूप होल्स हैं, वही एग्जाम में आने वाले हैं और वही तुम्हारी रैंक खराब करने वाले हैं। जो तुम्हारे डाउट्स हैं वो अपॉर्चुनिटी है तुम्हें सीखने की, मतलब अभी बहुत सारी चीजें मिसिंग हैं, वो तुम्हारी अपॉर्चुनिटी है सीखने की। तो उसे सीखो, क्लेरीफाई करो, इट इज ए नॉन नेगोशिएबल स्टेप। अगर ये तुम्हारे साथ दिक्कत है, यू नीड टू चेंज समथिंग इमीडिएटली, किसी भी करके यू नीड टू चेंज समथिंग, वरना दिक्कत होगी तुम्हें, बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। प्रॉपर रिवीजन, तुमने ये सब कर लिया, रिवीजन नहीं कर पाए, क्या होगा? एग्जाम में जाओगे, हर चीज में बहुत ज्यादा समय लग रहा होगा, तो प्रॉपर रिवीजन जरूरी है ना। जैसे अगर अपन अभी नॉर्मल, जब तुम्हारा सिलेबस चल रहा है, नॉर्मल मॉक टेस्ट की बात करें, तो तुमने जैसे हर महीने के एंड में तुम्हारा मान लो मॉक टेस्ट होता है, प्रॉपर नीट का या जेई लेवल पे ना, जो हम लोग जनरली करते हैं ना, मंथ में एक या दो। तो क्या होता है, ज्यादा समय नहीं चाहिए होता है तुम्हें, 3 सब्जेक्ट रिवाइज करने ना। जिस दिन तुम्हारा मॉक टेस्ट है उस दिन 3 या 4 घंटे ले लो और बस तुम्हें रिवाइज करना, तुम्हें सारे क्वेश्चन वोश्चन सॉल्व नहीं करना, तुम्हें बस नोट्स रिवाइज करने होते हैं उस महीने में। उस समय जो सिलेबस आ रहा है, उस महीने में तुमने जो पढ़ा, बस उसका रिवाइज करना होता है ना। अगर तुमने ढंग से पढ़ा है तुम एग्जाम में जाके कर लोगे, वरना नहीं कर पाओगे, है ना, ठीक है। तो इसमें उस समय तुम्हें रिवीजन में ये नहीं कि तुम्हें सारे क्वेश्चन उठा के फिर से करने, नहीं भाई, इतना समय नहीं होता। अगर तुमने उस महीने में ऑलरेडी क्वेश्चन सॉल्व करे हुए, डाउट क्लेरिफाई करे हुए, तो वो चीजें तुम्हारे दिमाग में बस चुकी हैं, बस तुम्हें एक बार नोट्स उठा के रिवाइज करना है, थ्योरी बस तुम्हें देखना है। जैसे फिजिक्स में मैं फिजिक्स सॉलिड्स पॉइंट्स देखता हूं, उनको बस देखना है, बस ऐसे एक नोट्स रिवाइज करने, डन। 3-4 घंटे हो जाते हैं मॉक टेस्ट से पहले, 3-4 घंटे में वो तुम्हारा काम हो जाता है, एंड यू आर गुड टू गो, है ना, यू आर गुड टू गो। जब तुम्हारा पूरा सिलेबस हो जाता है तो फिर तो अपन प्रॉपर रिवीजन करते हैं, वो तो है ना, खैर वो तो एक अलग टॉपिक है ना। उसके बाद तुम्हें बहुत सारे मॉक टेस्ट देने, इंडीड रेगुलर मॉक टेस्ट देने, है ना। याद रखना ये फाइनल स्टेप नहीं है, रेगुलर मतलब वीकली, रेगुलर मॉक टेस्ट मतलब वीकली, सॉरी नॉट वीकली, फोर्टनाइटली, है ना। मंथ में एक या दो प्रॉपर तुम्हें जेई या नीट पे मॉक टेस्ट देना, एटलीस्ट एक तो मंथ में तुम्हें देना ही है ना, ये ध्यान रखना। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, उनका सिलेबस नहीं हो पाता, ये नहीं होता, तो मॉक टेस्ट ही नहीं देते। अगर तुम मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो तो तुम्हारा पक्का सिलेक्शन नहीं होगा, ये पक्का है ना। कई लोगों को एग्जाम फियर होता है, डर होता है, एंग्जाइटी होती है, तो उस चक्कर में एग्जाम देना बंद कर देते हैं, है ना। तो ऐसा है, एग्जाम एंग्जाइटी, एग्जाम फियर कुछ भी है, तो उसको निकालने का एक ही तरीका, बहुत सारे पेपर दो, बहुत सारे एग्जाम दो। अब तुम कहोगे सर मेरा हर महीने सिलेबस ही नहीं हो पाता तो मैं एग्जाम देके क्या करूंगा, नहीं दो। 100% प्रिपरेशन कभी किसी की नहीं होती, हमेशा लगेगा कि कुछ ना कुछ बच गया। तुम कितनी भी पढ़ाई कर लो, एग्जाम में जाने से पहले लगेगा अरे यार ये और देख लेता, है ना भाई। जितनी तैयारी हुई जाके दो, सीखोगे कितनी भी, एक कसम खा लो भाई, मॉक टेस्ट कुछ भी हो, जो भी तुम जिस भी कोचिंग में हो, बहुत से बच्चे, ये बहुत कॉमन सी चीजें, बच्चे एग्जाम देने नहीं जाते, डर होता है कि पेरेंट्स ये बोलेंगे वो बोलेंगे, भाई तुम एग्जाम दो, चाहे 0 नंबर आए, तुम्हें जितने भी नंबर है एग्जाम जाके दो, 3 घंटे बैठो, फेस करो। अगर एग्जाम नहीं दे रहे तो ये पक्का है, ये पक्का है तुम्हारा नहीं होगा। एग्जाम दोगे तो तुम सीखोगे, तुम इंप्रूव करोगे, तुम्हें सच्चाई का पता चलेगा, तुम रियलिस्टिक होगे, और फिर तुम काम करोगे अगले दिन आके कि इस बार गड़बड़ होगी, अब मुझे मेहनत करने की जरूरत है। वो अपने आप में मोटिवेशन की तरह बिहेव करता है। तो दो, उसका टेस्ट एनालिसिस, कई लोग इसको मिस कर देते हैं। एग्जाम देने का तुम्हें प्रॉपर एनालिसिस करना होगा, जैसे टेस्ट एनालिसिस का मैंने फॉर्म दिया हुआ है ना, इसमें मैं एक वीडियो और बना दूंगा ना, ठीक है, और उस फॉर्म की लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो टेस्ट एनालिसिस फॉर्म दिया हुआ है तुमको ना, तो उस फॉर्म को फिल करो या प्रॉपर टेस्ट एनालिसिस करो, कैसे करना है उस पर वीडियो बना के डाल दूंगा ना, वो करो, वो बहुत जरूरी, इट इज अगेन नॉन नेगोशिएबल स्टेप, क्योंकि उससे ही तुम्हारे मार्क्स इंप्रूव होंगे। कई लोग बोलते हैं कि हमारे मार्क्स अटक गए, उससे ऊपर नहीं जा रहे, क्योंकि तुम टेस्ट एनालिसिस नहीं कर रहे हो। टेस्ट एनालिसिस नहीं कर रहे हो तो तुमने मॉक टेस्ट का 50% पर्पस फॉरफीट कर दिया, उसको बर्बाद कर दिया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देना जरूरी है, इसी से इंप्रूवमेंट होगा। उसको दो, उसका प्रॉपर रिपोर्ट बनाते हैं, टेस्ट एनालिसिस का एक प्रॉपर रिपोर्ट बनाते हैं, कंक्लूजन। ये जनरली बनती है 5-6 मॉक टेस्ट देने के बाद, हमें पता होता है कि हम कहाँ कहाँ कितने तरीके से मिस्टेक कर रहे हैं, कौन से वीक है, उनको सीखना होता है, इंप्रूव करना होता है। अगर ये नहीं करोगे तो नहीं आएंगे। जब तुम ये सारी की सारी स्टेप्स कई बार करोगे,
यू विल रियलाइज कि तुम्हारे इवेंचुअली मार्क्स इंप्रूव करने लगेंगे, और जब तक तुम फाइनल तक जाओगे तुम्हारा सिलेबस खत्म हो जाएगा, फिर अपन पूरी टेस्ट सीरीज देंगे, तुम्हारे नंबर इंप्रूव करेंगे 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 और फाइनली तुम बहुत अच्छे नंबर ला पाओगे। तो तुम कहोगे सर ये तो बहुत डिफिकल्ट तरीका है। हाँ बिलीव मी, कोई आसान तरीका है भी नहीं, बिलीव मी कोई आसान तरीका नहीं है, बहुत डिफिकल्ट तरीका है, बहुत मेहनत वाला तरीका है। यही रीजन है कि कुछ लोगों के सिलेक्शन होते हैं, क्योंकि आसान तो हर इंसान कर लेता है। जेईई और नीट आसान एग्जाम नहीं है, बहुत कॉम्पिटिशन का एग्जाम है और तुम्हें हर एक चीज करना जरूरी है, है ना। जैसे यहाँ पे अगर तुम सब कुछ नहीं कर पा रहे तो जितना मैक्सिमम कर सकते हो उतना करने की कोशिश करो, है ना। तुम जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा इंप्रूव करोगे ना। और आई एम 100% श्योर, अब यहाँ पे एक भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जो बोलेगा सर मैंने सब कुछ कर लिया फिर भी नंबर नहीं आ रहे। अबे यहाँ पे ऐसा नहीं होता, तुम जितना करते हो उतना इंप्रूव करते हो। तुम्हें करने की जरूरत है, तुमने अभी अपना 100% दिया ही नहीं, तुमने अभी अपना 50% भी नहीं दिया, इसलिए तुम्हारे नंबर नहीं आ रहे। तो एग्जाम में नंबर पहले तो एक्सपेक्ट करना बंद करो, रियलिस्टिक हो जाओ। तुम्हारा काम एग्जाम में नंबर लाने नहीं, तुम्हारा काम है ये 10 स्टेप कंप्लीट करना। कई बार हर चैप्टर में कई बार ये 10 स्टेप कंप्लीट करना, नंबर अपने आप आने लगेंगे, नंबर तुम्हारे अपने आप आने लगेंगे ना। इसके अलावा अगली चीज एक और है ना जो तुम्हें ध्यान देना जरूरी है, एग्जाम के दौरान तुम्हें क्या क्या करना है ना। ये तो एग्जाम से पहले की बात होगी, अब एग्जाम के दौरान भी तुम्हें कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है जिससे तुम्हारे नंबर चले जाते हैं ना। तो उसको अपन वैसे अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे इन सारी चीजों का ना, इसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है भाई, तो जा रहे हैं, इस सेशन को एंड करते हैं। जो लोग अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं वो फिजिक्स लाइव कोड यूज करके ले सकते हैं, दिस इज माय कोड। ये टेलीग्राम है तो इस पर तुम मुझे मैसेज कर सकते हो। अगेन YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना, ये मेरी टेलीग्राम चैनल्स हैं, ये मेरे टेलीग्राम चैनल्स हैं, उनको फॉलो कर लेना तो सारे लेटेस्ट अपडेट्स यहीं पे मिलते हैं। एंड मेक श्योर कि फिजिक्स वाले की वेबसाइट चेक करना, उसकी लिंक डाली, उस पर बहुत सारा अच्छा कंटेंट मिलेगा, है ना। एंड वी मेंटेन क्वालिटी, हम वी मेक श्योर कि एक भी एरर ना हो उसमें, हमारी पूरी टीम इसी पे काम करती है। चलो बाय गाइस, सी यू।